तो किसी ने पूछा था कि पावर रेंजर्स पे और वीडियोस कहाँ है, तो ये लो। बाकी मैं कामन राइडर पर वीडियो बनाने वाला था क्योंकि उनकी भी रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन लास्ट कामन राइडर वीडियो पे ना ही उतने कमेंट्स आए थे और ना ही उतने लाइक। क्योंकि देखो, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, YouTube पता नहीं क्या कर रहा है इस चैनल के साथ। तो जो भी है, फाइट करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एल्गोरिदम को बीट करने में। तो अगर तुम वीडियो को देख रहे हो तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल लाइक कर देना। लाइक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एल्गोरिदम से लड़ने के लिए। पर इन सब चीजों को साइड में रखते हुए अब आते हैं सबानेरा के आखिरी पावर रेंजर शो पे। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये शो जबरदस्ती कंप्लीट किया है, वो भी कुछ टाइम पहले ही। मतलब ये एक तरह से सबान का आखिरी ट्राई था पैसा कमाने का, और उसने वही किया जो वो बेस्ट करता है, यानी पावर रेंजर्स की लेगेसी को भूल जाना। उसने बहुत सेफ खेला है यहाँ पे। उसने एक डम्प सा शो बनाया जो बच्चों को मजे तो देगा, पर जो लोग पावर रेंजर्स को देखते हुए बड़े हुए हैं वो इसे इग्नोर करेंगे, जिससे उसकी बैड पब्लिसिटी नहीं होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निंजा स्टील की। तो अब तुम लोग बोलोगे कि डम क्यों? तो अगर तुम मेरी पावर रेंजर की प्लेलिस्ट देखोगे तो हर पावर रेंजर का सीजन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसमें एक चीज होती थी और वो थी एक स्टोरी जो हर एपिसोड को सपोर्ट करती थी। और निंजा स्टील और सुपर निंजा स्टील ने क्या किया, वो स्टोरी ही गायब कर दी। लिटरली हर एपिसोड एक फिलर एपिसोड था, जिसको बनाने का एक ही गोल था, बच्चों को एंटरटेन करना। कुछ चीजें हैं जो उन्होंने सुपर में बेटर बनाई थी, जैसे कि रेंजर की रिलेशनशिप, क्योंकि पहले सीजन में ये सब बहुत फेक लगता था, पर सुपर निंजा स्टील में राइटर्स ने इस चीज पे मेहनत की है और वो दिखता भी है। पर जब तुमने निंजा स्टॉर्म देख रखा हो, जो खुद में एक रिलैक्स पावर रेंजर सीजन था, जिसमें वो सीरियस नहीं होते थे, वो पूरा सीजन फिलर जैसा था, फिर भी उसमें कैरेक्टर्स, स्टोरीज, विलन और कॉमेडी ऐसी थी कि वो आसानी से कई लोगों का फेवरेट बन जाए। पर वहीं निंजा स्टील हर चीज में पीछे रह जाता है, और ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर्स बुरे हैं, पर हर स्टोरी इतनी बोरिंग है कि वो कैरेक्टर्स को भी बोरिंग बना देती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, ये सब एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं। तुम में से कई लोगों ने शुरू ही सबानेरा से किया होगा रेंजर्स देखना, तो तुम सोचोगे कि हमको तो पसंद आया, ये क्यों इतनी बुराई कर रहा है। तो देखो, सिंपल सी बात है, जैसे अगर कोई आदमी फेज 5 से एमसीयू देखना चालू करेगा तो इसके लिए ये मूवीज और शोज फन हो सकते हैं। पर मेरे दोस्त जिन्होंने स्टार्टिंग से एमसीयू को फॉलो किया है, वो इन्फिनिटी सागा एक्सपीरियंस किया है, वो स्टोरीज देखी हैं, उनके लिए एमसीयू भी बकवास हो चुका है। लिटरली अगर कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें तो, और इंडिया में तो बहुत हैं जो एंड गेम के बाद फैन बने हैं और अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम कोई अच्छी चीज देख लेते हैं तो हम उन्हीं निगाहों से बाकी चीजों को जज करते हैं। अब एक कौन ऐसा इंसान होगा जो घोड़े की सवारी करने के बाद गधे पर बैठना चाहेगा? तो अगर तुम्हें ये सीजन पसंद है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि एंजॉय करना सबसे इम्पोर्टेंट है। पर इसी बात पे तुम मेरी पावर रेंजर वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, और उनमें जो भी पावर रेंजर या जैपनीज शो जैसे रुकेंडो इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो डेड कार्टून या ऐसे ही किसी साइट पे जाके वो शो देख के आओ, और फिर इस सीजन को जज करना। और सेम चीज जाती है इस शो के विलन्स पे, जो ऑलरेडी एक बोरिंग शो में जो भी क्वालिटी बची हुई होती है उसे भी खींच लेते हैं। तो इस शो के बारे में डिटेल में कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि ना प्लॉट इंटरेस्टिंग है और ना ही कैरेक्टर्स। ये शो बच्चों के साथ देखने के लिए और उनके अकेले के देखने के लिए अच्छा है, पर अब पावर रेंजर्स उस हालत में है कि बच्चों को टारगेट करना अच्छा नहीं है। इन्हें लिटरली माइटी मॉर्फिन की कॉमिक्स या एसपीडी से इंस्पायर होके मूवी फ्रेंचाइजीज और ट्रायलॉजीज का एक यूनिवर्स बनाना चाहिए, जो इन्फिनिटी सागा की तरह हो, और एंड में मूवीज में दिखे अलग अलग एरा के रेंजर्स साथ आए दुनिया बचाने। और मेगा फोर्स की तरह पोज क्रॉसओवर की बात नहीं कर रहा मैं, इनके पास लिटरली काफी सही मटेरियल है एक ऐसा यूनिवर्स बनाने का जो एडल्ट्स और बच्चों दोनों के लिए हो। जैसे पुराना एमसीयू था, बस कोई स्मार्ट कंपनी खरीद ले राइट्स। बाकी तुम बताओ, तुम कौन से रेंजर सीजन्स को मूवी में देखना चाहोगे?